अयोध्या में हर दिशा में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में अयोध्या में भव्य और सुंदर रेलवे स्टेशन का भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये रेलवे स्टेशन बाहर से देखने में किसी आलीशान मंदिर से कम नहीं लगता, लेकिन वही रेलवे स्टेशन का आंतरिक रूप किसी मल्टीप्लेक्स या मॉल से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ घूमने आए पर्यटकों ने इस रेलवे स्टेशन को देखकर बताया कि विदेश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन भी इस रेलवे स्टेशन के आगे फेल होते नजर आ रहे हैं। हम पहली बार आए लेकिन जैसे सुन रहे थे वैसे ही मिल रहा है हमको, उससे अच्छा मिल रहा है। बल्कि अभी यहाँ स्टेशन के एकदम कायाकल्प, स्टेशन तो ऐसा लग रहा है कि हम एयरपोर्ट में आ गए, जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधा है यहाँ पे। सब लगता ही नहीं कि रेलवे स्टेशन मतलब अपना इंडिया का रेलवे स्टेशन इस टाइप के भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। जितना इस स्टेशन को माइथोलॉजिकल तरीके से पौराणिकता से बनाया गया उतना ही आधुनिक भी बना गया। हाँ बिल्कुल, दोनों चीज का समावेश है इसमें, आधुनिकता भी है और पुराने उसके हिसाब से जो बनना चाहिए वो भी बन रहा है यहाँ पे। अगर आप बाहर से लुक देखें तो कहीं ना कहीं छत पे मंदिर की, हाँ मंदिर की आकृति बन रही है, सब लग रहा है। जैसे अपना हरिद्वार देखते हैं तो हरिद्वार भी इसी टाइप का बना हुआ है कि मंदिरों का शहर कहते हैं हरिद्वार को, लाइक अपना ये अयोध्या भी वैसे ही है। बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी खास चीज देखते होंगे, हर जगह आपको नोटिस बोर्ड दिख जाएंगे कहाँ पे क्या अवेलेबल है, किस तरह की। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली सब बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे, खूब देखने को फर्स्ट क्लास है। तो कहा जा सकता है कि 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन करेंगे तो वर्ल्ड लेवल स्टेशन होगा। बिल्कुल, रेलवे स्टेशन ऐसे नहीं मिलते, एटलीस्ट अनोखा रेलवे स्टेशन है। बहुत अच्छा अनुभव रहा, जाते रहते हैं हम सभी जगह, वृंदावन भी जाते हैं और भी सभी जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो हमें अनुभव लगा, जो इतने दिन से नहीं सुना था अयोध्या के बारे में, देख के और सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अभी मंदिर का काम चल रहा है लेकिन जब बन जाएगा तो हम महसूस कर रहे हैं कि वो कितना विशाल और अनुभव उसका कितना अच्छा होगा। इसके साथ ही अयोध्या में 30 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों ही जगह का इनॉग्रेशन करेंगे। रेलवे स्टेशन जो बनाया गया वो एकदम आधुनिक और धार्मिक इस तरीके से बनाया गया, कैसा आपको अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है रेलवे स्टेशन देख के, तो हम स्पेशली हमें आने नहीं दे रहे थे अंदर, मैंने कहा नहीं एक बार देख के आए क्योंकि हमने टीवी पर देखा था, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने कहा एक बार हमने रिक्वेस्ट करी एक बार हमें देखने, तो उन्होंने हमें आने दिया, तो हम चारों तरफ हमने वीडियो रील भी बनाई है इसकी अपनी, के घर पे जाके बच्चों को दिखाएंगे। अब बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाहर के देश में हम हैं यहाँ पे। ये रेलवे स्टेशन बेहद खूबसूरत और अलौकिक है। एलिवेटर, फूड कोर्ट, लिफ्ट और इस्तेमाल की तमाम सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन किसी मॉल से कम नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत ही सुंदर और भव्य रेलवे स्टेशन बनकर अयोध्या वासियों को एक नई सौगात देगा। जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार ने बताया कि ये रेलवे स्टेशन अभी फेज वन में तैयार किया जा रहा है। हम लोग यहाँ जो बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उसका फसाद कंट्रोल भी हम लोग देख रहे हैं कि जो राम मंदिर के जो फसाद है उसके अनुसार मिलता जुलता हो और जो यहाँ की जो पौराणिकता है उसको समेटता हुआ हो, उसको संजोता हुआ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रेलवे का जो आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे आप बाहर से आपको पूरा मंदिर के स्वरूप का लगेगा, काफ़ी बेहतर है, उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और जो अंदर का आपको पूरा आधुनिक रहेगा और इसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, 50,000 से 60,000 सर्कुलेशन कैपेसिटी है उसकी है और वो केवल फेज वन है। ये फेज वन का स्टार्ट होगा, अभी हम का इनॉग्रेशन होगा, फेज टू का भी और भी उसको हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिए भी लैंड हम लोगों ने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है रेलवे को, तो उसमें भी काम शुरू होगा, कॉन्कोर्स भी बन रहा है। तो काफी बड़े पैमाने पे योजना है कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत की बढ़ेगी बहुत व्यापक पैमाने पे, उसके दृष्टिगत हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बता दें कि स्टेशन के अंदर के हिस्सों को भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है और जल्द ही ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे।